संभल के जो ट्रेन है ना वो परमेश्वर लाल सैनी ने बुलेट ट्रेन बनवाया उसे। आप ये तो कहना चाह रहे हैं और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सर एक मुसलमान अगर अपने हक की बात करता है तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता है, उसकी जमानत नहीं होती। लेकिन अगर कोई इन बीजेपी का संरक्षण लिए हुए और किसी मुसलमान पर अटैक करता है तो सर उसको रातों रात जमानत भी दे दी जाती है और हैंड टू हैंड उसको जमानत मिलती है। लेकिन हमारी बड़ी बात कह रहे हैं, कानून अपना काम बराबर करता है। और ये बताओ जहाँ लिंचिंग हुई है वहाँ किसको अरेस्ट नहीं करा, अरेस्ट करके उनको जेल में। साथ हमने अखिलेश यादव का दिया है, अगर यही मुस्लिम कौम बीजेपी का साथ दे दे तो बीजेपी खुद खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी खूबी चंबल की जनता की है कि भीख भी लेती है पुरस्कार समझ कर। मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल जी, 2017 से 21 आ गया, सरकार कैसी चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, गरीबों का और मीडियम क्लास का सबका सरकार ने भरपूर ध्यान रखा है। घर जिनके घर नहीं मैसर थे, टाट पड़ हुए थे दरवाजों पे, उनके आज देख लो घर चमचमा रहे हैं उनके घर। किसके? बढ़िया, मोदी जी की रात में राशन भरपूर मिला है, खाने पीने की कोरोना काल में भरपूर व्यवस्था की गई है और कोरोना काल में हर किसी का ध्यान रखा है। और अगर लॉकडाउन लगाया है तो ये सिर्फ तुम्हारे अच्छाई के लिए, ताकि इनको कोई बीमारी नहीं फैले और अपने घर में ये महफूज रहें। सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, गरीबों को मकान दिया है, सामान्य वर्ग के लोगों को मकान दिया। एक मिनट रुकिए, संभल की जनता की ये सबसे बड़ी खूबी है कि सबसे बड़ी खूबी चंबल की जनता की है कि भीख भी लेती है पुरस्कार समझकर। भीख भी लेती है पुरस्कार समझकर 5 किलो राशन में घुसे, जिससे कोरोना काल में वैक्सीन तो छोड़ो, जिससे ऑक्सीजन पूरी ना हुई। 5 किलो पाँच किलो की सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं कोरोना काल में घर बैठे ऑक्सीजन, काम नहीं था। काम के योगी ने रोका, काम तुम्हारी बीमारियों ने रोका। 5 किलो राशन योगी ने रोका, 5 किलो राशन में घुस, 5 किलो राशन की नहीं, खत्म 5 किलो। एक बात यह है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना कहाँ, वह हमारे बच्चे पहुँचे। हमें मैन जो है हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल खराब हो रहा है, जगह जगह लीचिंग हो रही है। क्या अभी सुना नहीं कि कितने कितने मुसलमानों को कितने सर कितने मुसलमानों को लीचिंग के नाम पे टारगेट किया गया और एक भीड़ ने तंत्र बनाकर तंत्र और मार दिया उनको और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सर एक मुसलमान अगर अपने हक की बात करता है तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता है, उसकी जमानत नहीं होती। लेकिन अगर कोई इन बीजेपी का संरक्षण लिए हुए और किसी मुसलमान पर अटैक करता है तो सर उसको रातों रात जमानत भी दे दी जाती है और हैंड टू हैंड उसको जमानत मिलती है। लेकिन हमारी बड़ी बात कह रहे हैं, कानून अपना काम बराबर करता है। और ये बताओ जहाँ लिंचिंग हुई है वहाँ किसको अरेस्ट नहीं करा, अरेस्ट करके उनको जेल में डाला उनके खिलाफ भरपूर, कितनी देर के लिए? जब तक सबूत पेश ना हो जाए, सबूत होगा, सबूत आ गए तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है सरकार और भरपूर उनके किसी खिलाफ कर दी जो लिंचिंग कर रहे हैं, मतलब कितने के खिलाफ कर दी, क्या वहाँ कर दी, जिन जो लिंचिंग कर रहे हैं, जो लिंचिंग कर रहे हैं, लिंचिंग करने वालों को तो मैं आतंकवादी मानता हूँ। हाँ, जो भरपूर किसी के साथ में जो जाति करते हैं वो इंसान। 2022 में किसे चाहते हैं? 2022 में जिसको जनता सपोर्ट करेगी और योगी जी ही आएंगे और योगी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी आएंगे। हाँ जी, योगी जी का एक अच्छा काम बताएं। योगी जी ना बता दें कोई एक अच्छा काम। देखो ये सबको साथ लेके चले, जो भी ग्रांट दिए, जो भी चीज दी है साथ लेके चले। मुसलमानों को खाली हिंदुओं को नहीं दी, मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया, दोनों को बराबर दिया। वजह क्या है, हमारे नसीब में जो है ना मुसलमानों की कम इल्मी की वजह से हमारे नसीब में आती है सिर्फ भीड़। कल इल्मी नहीं है, मैं बीकॉम कर हुआ हूँ भाई, कल इल्मी थोड़ी। चाहे वो अखिलेश हो या योगी आदित्यनाथ हो, हमारे नसीब में भीड़। हमें रिक्शे चाहिए, हमें 30,000 चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 30,000 रुपये तो मजदूर आदमी 2 महीने में कमा ले। और योगी आदित्यनाथ ने राशन, भाई बोल रहे हैं कि राशन दिया, क्योंकि बाकी तो हम भूखे मर जाते अगर 5 किलो गेहूँ हमारे घर ना आते तो, क्योंकि हमने चावल खाए ना है। हम तो गेहूँ से पल गए 5-5 किलो के, क्योंकि किसानों का हक में जो काम किया है, मेन चीज़ है हमारी खेती। हमारे होगा टनों से पैदा, हमें किसान आदमी, हमें किसान, हमारे होगा टनों से पैदा, इसका 5 किलो, हमारे 5 किलो। बीजेपी का शख्स
अगर किसानों के हक में वो तीनों काले कानून वापसी नहीं हुए, यहाँ घुसने नहीं देंगे किसी को। अगर तुम्हारे यहाँ टनों में पैदा होता है तो किसानों के लिए इसलिए ही तो कानून बनाया, ताकि तुम टनों ना और टनों के हिसाब से पैदा करो और तुम और तरक्की। वो कानून और ज्यादा पैदावार करवाएंगे। अरे हाँ, तो कानून से जब ज्यादा पैसा मिलेगा। कहाँ पैसे ज्यादा मिल रहा? पैसे ज्यादा मिलेगा राशन खाद और जितने भी उसमें सामग्री जितनी उसमें खाद वगैरह पड़ते हैं, आज उनकी महंगाई कितनी हो गई पता है आपको? तो महंगाई तो हो गई कोरोना काल में। कोरोना कहाँ से आ गया? दवाइयों में दवाइयां आ रही हैं, मतलब हर एक चीज कोरोना लेकर चली गई 7 साल का। जब दवाइयां आ रही है, सब कुछ आ रही है, कहाँ से पैसा आगा? सरकार कोई अपने पास से देगी? सरकार फिर पिछली सरकारों को क्यों ब्लेम करते हैं? अरे हम जनता, पिछली सरकारों को क्यों ब्लेम? सरकार जनता का भला चाहती है, सरकार जनता का भला चाहती है और जनता भी तभी 100 रुपए इसलिए नहीं करा। 98 रुपए हो गया और 100 के पार चला गया पेट्रोल, क्योंकि इन्हें तो डीजल की जरूरत है नहीं, इन्हें 5 किलो गेहूं की जरूरत है, हमें भी जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, हमारे छोड़े उनको भी जरूरत है, इन्हें जरूरत है नहीं किसी चीज की। जो मजदूर करते, एक तुम हो, ये अनाज पैदा हो रहा है 200 गज, ये 200 गज, ये एजुकेटेड 100 गज जगह मिली है तो उसके लिए एजुकेटेड है, ये चाह रहे हैं इनके बच्चे नहीं पढ़े, ये तो पढ़ लिए इनका तो काम हो गया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सरकार ने एजुकेशन को मदरसों को क्या दिया? संभल के लिए बताएं आप क्या दिया? तो संभल के लिए तो नवाब महबूब थे, उन्होंने बता दो क्या दिया, तुम बता दो। उनके भी खिलाफ, उनके भी खिलाफ हो तो जनता उनके खिलाफ हो, किसी हमारे तो किसी दूसरे कैंडिडेट को, किसी दूसरे अपनी बार अगर कोई भी वोट के लिए आएगा, सबसे पहले उससे कॉलेज और हॉस्पिटल की बात नहीं करा। रोड चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये चीजें सबसे पहले हमें चाहिए। अरे तो कोई भी आए वोट के लिए, जिन्होंने कभी शहर के लिए कुछ ना करा 20-25 साल में, आज भी 2014 से 2019 तक आपके सांसद रहते हैं सत्यपाल सैनी, उन्होंने क्या काम किया? हमने क्या किया? किन्होंने? सत्यपाल सैनी ने रेलवे का देखो आधुनिकीकरण कराया। कहाँ? रेल का देखो, राय शक्ति पे पहले पलती थी, हमने पलती है, उन्होंने आधुनिकीकरण। संभल के जो ट्रेन है ना, वो परमेश्वर लाल सैनी ने बुलेट ट्रेन बनवाया उसे, आप ये तो कहना चाह रहे हैं। बुलेट ट्रेन इतना कोई कुछ नहीं कर पाया जितना उन्होंने कर दिया, इतना भी उन्होंने कर दिया। योगी मोदी जी ने बताया था, योगी वाला जो समाजवादी वाले थे, उन्होंने चंदौसी चुंगी पर, सुनो चंदौसी योगी जी की ट्रेन का सफर, योगी जी की ट्रेन का सफर, ट्रेन हमारे कांग्रेस ट्रेन समाजवादी से नहीं है, समाजवादी से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं है तुम्हारी। आप किसे देखने की, किसे देखने की? सफर कितनी बार किया? हम रहजन से दोस्ती नहीं रखते। किसे? रहजन। अच्छा, रहजन रहजन कहते हैं राह भटकाने वाला, लूटने वाले को। अच्छा, ये सब रहजन है। अच्छा, वो शेर जो कहा था ना आजम खान ने, कौन सा था? भूल गया। फिलहाल जो भी था, मुझे दोस्तों से गिला नहीं, तेरी रहवरी से सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहवरी से सवाल है। तो ये सारे नेता संभल के, प्लस ये जो है अखिलेश यादव, ये सब रहजन है। अच्छा, रास्ता भटकाने वाले, रास्ता भटकाने वाले। तो रास्ता दिखाने वाला कौन आएगा? रास्ता दिखाने वाला भी आएगा इंशाल्लाह, करेंगे जब लोगों से मांग रखेंगे, एक ना एक अच्छा भी इधर दिखेगा। सर जी, नीम रख दी गई है, जी हाँ नीम रख दी गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जागेंगे लोग। ये सियासत है, सियासत सियाह और अस्त, सियाह मानी काला और अस्त फारसी से आया, इसका मतलब है यानी कालापन है सब। अच्छा अच्छा, सब काला। तो आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं, कौन ऐसी पार्टी है? फिलहाल तो जो है वो है, मगर ओवैसी में जो है वो संविधान का पालन करते हैं। लेकिन ओवैसी को तो लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए आ रहे हैं। देखो कैसे वोट काट लेंगे वो, इन्होंने क्या उखाड़ लिया, इन्होंने क्या उखाड़ लिया? सपा ने 5 साल जिम्मेदारी, 5 साल हमारी संभल के, 5 साल हमारे संभल के कैबिनेट हयात नगर नहीं आए। बीजेपी ने हमारा क्या उखाड़ लिया? अगर ओवैसी को वोट दे देंगे तो क्या उखाड़ लेगा? अच्छा सर, एक बात बताइए, ये बीजेपी की जो है, मतलब जब इलेक्शन आते हैं तो सारी पार्टियां निकल के आती हैं कि हम, अरे मुसलमानों हमें मतलब वोट दो, हमें वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो सर जी एक बात बताइए कि हमने बीजेपी को वोट दे ली, हमने बीजेपी को हराने का ठेका ले लिया?
कि हम ही बीजेपी को हराएंगे। दूसरा ये अब हम सब पार्टियों से कहते हैं उबासी को वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे साहब। अब आप बीजेपी को हराएंगे? जितना साथ हमने अखिलेश यादव का दिया है, अगर यही मुस्लिम कौम बीजेपी का साथ दे दे तो बीजेपी खुद खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी सर। बीजेपी खुद, जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि हम मुसलमानों को 10% आरक्षण देंगे, 18% आरक्षण देंगे, वो कहाँ गया वादा उनका? मिल गया नहीं, कहाँ चला गया? ये सब धोखा देते हैं। जाटों ने जबरदस्ती अपनी आरक्षण की मांग करके उन्होंने जो हासिल करना था कर लिया, पटेलों ने अपना आरक्षण करा, मुसलमान अगर अभी अगर कुछ मुजाहिरा कर दे तो उसे डाल दिया जाएगा। तो ये अखिलेश ने भी झूठे वादे करे, वो बीजेपी तो खुल हुई है ही, उसका तो कुछ हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, बीजेपी से ज्यादा कुछ खास नहीं है, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी।